नमस्कार दोस्तों, ईजे पार्टी में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे हो उसी तरह आप भी न्यू ट्रेंडिंग गणपति बप्पा का स्टेटस एडिटिंग करना चाहते हो तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साइड में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी। और दोस्तों इस चैनल पर रोज आपको एक नई वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में वी एन ऐप को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इसी तरह से आपको सामने इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उसी तरह से इंटरफेस आने के बाद इधर से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपके सामने इधर फोटो वाला ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऐसे हम अपना फोल्डर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इधर से कम 21 पोस्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं यहाँ से 21 पोस्ट है वो ऐड कर लेता हूँ। तो उसी तरह से यहाँ से पहले मैं अपने 21 पोस्ट रहेंगे वो ऐड कर लूँगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से मैं जल्दी जल्दी 21 पोस्ट ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो इसी इधर तीर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सभी पोस्ट रहेंगे वो कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों इधर से अपना म्यूजिक है वो ऐड कर लेना है। तो उसी तरह से मैं यहाँ से अपना पहला म्यूजिक है वो ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो म्यूजिक बीट पर क्लिक करके आपको कुछ इसी तरह से बीट ऐड कर लेना है। तो दोस्तों ये बीट मैं वीडियो के कमेंट करके वहाँ पर दे दूँगा, वहाँ से आप आसानी से इस पर बीट लगा के अपने वीडियो को बहुत बेहतरीन आसानी से बना सकते हो। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर से यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे बीट रहेंगे वो कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों ऊपर ओरिजिनल लिखा वहाँ पर क्लिक करना और यहाँ से आपको 9:16 का रिव्यू सेलेक्ट कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं यहाँ से 9:16 का रिव्यू सेलेक्ट कर देता हूँ। उतना करने के बाद दोस्तों इधर से आपको वीडियो में एक ब्लैक स्क्रीन लिरिक्स रहेगा वो ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जो कि हमारा जो वीडियो रहेगा वो उधर पोस्ट रहेंगे वो जो लिरिक्स रहेगा वो कुछ ही देर में ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपके सामने प्रोसेसिंग आ जाएगा और हमारा वीडियो रहेगा आपको इधर ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से हमारा वीडियो ऐड हो चुका है। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों इधर से हम थोड़ा जूम कर लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको सभी पोस्ट को बीट के हिसाब से पहले इधर से कर देना है। तो उसी तरह से मैं पहले अपने जल्दी जल्दी सभी बीट है वो पोस्ट के हिसाब से कर देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से हमने अपने सभी बीट है वो कुछ इसी तरह से सेट कर लिया और पीछे वाली ब्लैक स्क्रीन को हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद दोस्तों हमारे जो सभी बीट रहेंगे वो कुछ इसी तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो इधर से आपको पहले वाले बीट में इफेक्ट्स में जाना है और उसी तरह से यहाँ पर एक ब्लैक स्क्रीन वाला ये वाला इफेक्ट है ये ऐड कर लेना है। तो उसी तरह से करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इस वाले इफेक्ट में आपको इफेक्ट्स में जाना है और इधर आपको कुछ इसी तरह से जूम इन का एक इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से करने के बाद इसमें आपको वापस उसी तरह से ब्लैक स्क्रीन ऐड कर लेना है और इस पर क्लिक कर देना है और उसी तरह से इसमें आपको वापस जूम इन का इफेक्ट है ये का ये ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इसमें आपको वापस उसी तरह से तो इसमें किया था उसी तरह से जूम इन का किया तो इधर आपको वापस ब्लैक स्क्रीन ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से आपको वापस उसी तरह से जूम इन का इफेक्ट है ये का ये ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं वापस इधर आपको वापस ब्लैक स्क्रीन कर देना है और इधर आपको वापस जो जूम इन वाला किया उसी तरह से आपको कम से कम 15 सेकंड तक कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ पर हमारा जो 15 सेकंड है इधर हमने जो इफेक्ट जूम इन का किया था तो इधर आपको वापस कुछ इसी तरह से आपको 15 सेकंड तक कर देना है। 15 सेकंड करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा जो इफेक्ट रहेगा वो चेंजिंग रहेगा। तो दोस्तों यहाँ से हमारा इफेक्ट रहेगा वो जूम आउट का रहेगा। तो दोस्तों इसमें भी आपको जूम आउट का इफेक्ट है ये का ये ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी सभी में जूम आउट का इफेक्ट है ये का ये ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर मैंने सभी में जूम आउट का इफेक्ट है ये का ये ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद दोस्तों जो हमारा बड़ा वाला इफेक्ट है इधर आपको बीच में कैची करके एक कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों इधर पहले वाले में इधर से आपको एंडिंग वाला ऑप्शन पर जूम पे आ जाना है। आने के बाद इधर आपको एक में राइट और एक में आपको लेफ्ट कर देना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इसमें आपको अपने इफेक्ट्स में जाना और यहाँ से ब्लैक स्क्रीन दोनों में ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इसमें भी हम ब्लैक स्क्रीन और इसमें भी हम ब्लैक स्क्रीन ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से एंडिंग वाले सभी है जो एंडिंग वाले इफेक्ट है वो आपको सभी में इफेक्ट्स में जाना है और यहाँ से सभी में जूम आउट का कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको सभी में एंडिंग तक आपको जूम आउट का इफेक्ट है ये का ये ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर में एक लास्ट में आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसमें आपको वापस इफेक्ट्स में जाना है और ब्लैक स्क्रीन
ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों ये हमारा जो वीडियो रहेगा वो बन के रेडी हो जाएगा, और इधर से आपको एफएक्स में आप इस वीडियो को अपने मोबाइल में सेव करना चाहो तो ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, उधर क्लिक करके इस पर क्लिक कर देना है, जो कि वीडियो रहेगा इजीली आपको मोबाइल में सेव हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।